जन्नत में आ गए, जन्नत में। पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पर कि जून का महीना चल रहा है। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज शिवी व्यास एंड यू आर वॉचिंग शिवी स्टोरीज। सो गाइज, आज हम शूट करने वाले हैं डे टू इन शिमला। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी हम नहा धो के रेडी हो गए हैं। हम मंदिर जा रहे हैं, जो कि हम कल नहीं जा पाए थे, कल रात लेट हो गया था। तो अभी हम पहले मंदिर के दर्शन करेंगे, उसके बाद आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अब हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और अभी 8:30 बज रहे हैं। बस अब हम निकलने वाले हैं यहाँ से। अब मैं आपको रास्ते में बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। इतनी ऊपर पहुंच गए, मैं अभी पहुंची नहीं हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं अभी जा रही हूँ भागती हुई। ये बहुत ही चैलेंजिंग है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, उस पर राइड करके इतना भारी सामान लेके ऊपर चढ़ना वेरी डिफिकल्ट। चलो सीढ़ियों के रास्ते से जाती हूँ। ये पैदल वाला रास्ता है जिससे मैं आ रही हूँ, और दूसरा वाला जो रास्ता है वो उधर निकल गया। मैं पहुँचती हूँ फटाफट। कितना शार्प मूड है, यहाँ पे बारिश हुई है। हाँ, मैं कह रही थी ना तुमसे कि अंदर नहीं रखते कपड़े, थोड़े से बाहर निकाल लेने चाहिए थे। यहाँ पे भी बारिश पड़ चुकी है, अभी हम रूम के अंदर थे, हमें पता चला नहीं। तो यहाँ पे बढ़िया करके बारिश हुई है, तो रास्ता ना अब मज़ेदार भी हो गया है और ख़तरनाक भी हो गया है। हल्की चलानी पड़ेगी, जिस स्पीड से हम कल आए थे उस स्पीड से हम उतर नहीं सकते। और अब हम निकल रहे हैं मनाली की तरफ, जो कि यहाँ से 235 किलोमीटर है। तो अभी हमारी राइड शुरू हुई है, देखते बीच में अब क्या क्या हमें नई नई चीज़ होती है। आसपास जिधर भी देखो पाइन के ट्रीज, हर तरफ इन्होंने पूरी रेंज को कवर किया हुआ है। अभी जब हम होटल से निकले थे उस साइड बारिश थी, अब हम यहाँ पर आ रहे हैं, 1 किलोमीटर की दूरी पे भी नहीं आए हैं अभी पूरा प्रॉपरली अगर हम देखें तो। और यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, मतलब कि कहीं कहीं बारिश हुई है, कहीं कहीं बारिश नहीं हुई है, और हमें बीच में कहीं भी बारिश मिल सकती है, ये एक्सपेक्टेड है। ऊपर चलेगा तो अभी बताऊँगा काम हो गया। अच्छा अच्छा, हमें ISBT से निकलना था, यहाँ से आ रहा था, तो बाहर से आ रहे थे ना। हाँ, हमें नीचे आना था, ऊपर चलेगा, हमें जाना मंडी। ये है बस अपनी बाइक से आने का फ़ायदा, हम इस जाम में नहीं फंसने वाले। देखो कितने पीछे लग गए, और अगर बारिश हो गई तो और बुरा हाल हो जाएगा। पूरा मतलब वो यार दिख रहा है ना, फॉगी हो गया बहुत ज़्यादा। ये भी ठंड लग रही है, ठंड लग रही है क्या?
है ना, ये पहन लो। मेरे पास जैकेट है, मुझे नहीं लग रही ना मैं पीछे बैठी हूँ। ये फॉगी हो गया है यहाँ पे ना, बीच में था खोरा, अच्छा लग गया। ये केरल की आदि इतना था अभी जो खोरा आया था। आइस खोरा दोबारा से स्टार्ट हो गया है। मनाली 245 किलोमीटर है यहाँ से, बोर्ड लगा हुआ है और हम घने कोहरे की तरफ बढ़ते हुए, ये थोड़ा सा शार्प मोड़ आ गया है। जब हम लास्ट केरल गए थे तो ये वहाँ की याद दिला रहा है, मतलब इस टाइम पे ऐसा फीलिंग आ रही है कि जैसे अभी विंटर्स चल रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पर कि जून का महीना चल रहा है और हमारी साइड इतनी ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा है यहाँ का वेदर देख करके कि अब अभी हम जून के वेदर में चल रहे हैं। ये आ गई फोर्ट कोची, जैसी रोड नहीं थी, एक फोर्ट कोची में ऐसी रोड थी जिसमें इस तरीके के मकान थे, थोड़ी सी नीचे ढलान है। मतलब उतरते टाइम तो ये चीज़ अच्छी लगती है, सही लगती है, पता नहीं चलती, लेकिन मैं सोच रही हूँ इसी पर अगर चढ़ाई करनी पड़ेगी तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब जो ड्राइवर है उसको बहुत ज़्यादा ट्रेंड होना चाहिए, जैसे कि हमारे पतिदेव। ऊपर रेलवे लाइन से हम नीचे जा रहे हैं। देखो कितना गजब कोहरा कट रहा है यहाँ पर। यहाँ के लोग इतने यूज टू है नॉर्मल कपड़ों में, मतलब ठंड तो ऐसी नहीं है, लेकिन हाँ ऐसी भी गर्मी नहीं है कि मतलब हम हाफ स्लीव्स पहने, हमारे लिए ऐसी गर्मी नहीं है कि हम हाफ स्लीव्स पहने, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ ही लोगों ने फुल स्लीव्स पहना हुआ है, बाकी तो हाफ स्लीव्स में भी है। गर्म कट रहा है यार यहाँ पर, लग ही नहीं रहा, मतलब मुझे फीलिंग ही नहीं आ रही मैं जून के महीने में आई हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि हम इतनी ज़्यादा गर्मी से आ गए हैं, हम त्रस्त हो गए थे। ये कोहरा देख करके ना बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है जन्नत में आ गए, जन्नत में। यहाँ पर फिर से गीली सड़कें मिली है, यहाँ पर अच्छी वाली बारिश पड़ी है, अच्छी पड़ी है। मुझे ये लग रहा था शायद कोहरा है, कोहरे की वजह से सड़कें, बारिश पड़ी है प्रॉपर। हमारे आगे ये जो पिकअप वैन जा रही है इसमें जितने भी लोग हैं ये सब हाफ स्लीव्स में हैं और हम ठंड के कपड़े पहने हुए हैं। मतलब इन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, मतलब हमें वो थोड़ी बहुत ठंडक लगती है यहाँ पे आकर के, क्योंकि कोहरा है, बारिश भी पड़ी है तो ठंड तो होनी है, लेकिन इन लोगों को कुछ फीलिंग नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग देखे मैंने, मतलब यूनिफॉर्म्स में तो आई थिंक अलाउड होगा कि स्वेटर्स पहन के आने हैं, लेकिन जो टीचर्स हैं, फीमेल टीचर्स हैं, जिनसे दो चार टीचर्स से मैं कभी मिली थी लोकल्स, क्योंकि वो लोग स्वेटर्स नहीं पहनते। मुझे लगता है कि अगर हमारी साइड आ गए तो बीमार पड़ जाएंगे गर्मी में। बारिश हल्की हल्की बूंदाबांदी होनी स्टार्ट हो गई है यहाँ पर, अभी कहीं कहीं बारिश मिल रही है, कहीं कहीं नहीं मिल रही है। अभी तो मेरे फेस पर अभी बारिश की बूंदें गिर रही है, अभी मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पर चश्मा लगाने की जरूरत है, अच्छा वेदर हो रहा है। चश्मा की हम काफ़ी हाइट पर आ गए हैं, काफ़ी ऊपर आ गए हैं, अभी थोड़ी हल्की हल्की ठंड भी लग रही है, हाथ जो है ना बिल्कुल ठंडे ठंडे से हो गए हैं। अभी हम रास्ते में यहाँ पे एक ढाबे पे रुके हैं और बीच में बारिश मिली थी तो आधा सा गीला गीला सा हो गया फेस। किस जगह पे बनाया है ये मैं उधर से जा कर के आपको पूरी रेंज दिखाती हूँ। ये जो ढाबा है, इस ढाबे की बालकनी से ये है नज़ारा, ये पूरी वैली है, नीचे पूरा शिमला है। हम बहुत हाइट पर आ चुके हैं, अभी बादल ही बादल है, मतलब जिधर दिख रहा है उधर कोहरा ही कोहरा। बाल थोड़े से गीले हो गए क्योंकि बीच बीच में कहीं कहीं बारिश मिली थी तो आगे से तो बाल गीले हो गए थोड़े थोड़े। अभी मैं क्या करा था, मैंने कि जैकेट जो है ना वो बांध ली थी मैंने, क्योंकि लग रहा था कि हो सकता है बीच में ठंड मिलेगी तो इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अभी यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, अब वो ज़रूरत पति को लग रही है उस जैकेट की। मैं यहाँ से ये रेंजेस देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कितना ज़्यादा
मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, मतलब मैं यहाँ से भी देख रही हूँ ना और सामने देख रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। देखो खड़ी खड़ी पहाड़ियाँ। जो जैकेट मेरे पास थी अब इनको ज़रूरत लग रही है उस जैकेट की, क्योंकि अभी पहले हम बारिश से आ रहे थे, यहाँ पर अभी बारिश नहीं हो रही थी, अभी यहाँ पर भी बारिश होनी स्टार्ट हो गई है। और जहाँ पर हम रुके हैं वो लोग, जहाँ के यहाँ के जो ओनर हैं वो ये बोल रहे हैं कि अभी 5-6 दिन मौसम ख़राब रहेगा। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा मनाली। कह रहे हैं अभी तो मौसम ख़राब है। अब निकल गए हैं, अब ओखली में मुँह दे लिया तो फिसला तो पड़ेगा। अभी हम मधुबन एरिया से निकल रहे हैं और यहाँ का मैं आपको नज़ारा दिखाती हूँ। यहाँ पे बारिश तो मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, और यहाँ पे बारिश के साथ जो कोहरा है वो दिखाती हूँ, वो कितना ऐड ऑन कर रहा है इस सीनिक ब्यूटी को। अभी हम मंडी के रास्ते पर हैं और ये सिंगल रोड चल रही है जिस पर हम चल रहे हैं, और आगे बहुत ज़्यादा कोहरा आने वाला है, इसलिए मैंने अपनी रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है। मैं फटाफट से आपको दिखा देती हूँ क्या मंजर है। ये जो कोहरा है वो थोड़ा ऊपर है और अभी हम उसी साइड पर पहुँचने वाले हैं। 1, 2, 3, 4 अभी हम चंडीगढ़ मनाली हाईवे पे हैं और मंडी पहुंच चुके हैं। बीच में रुके हैं कुछ खाने के लिए, मैं तो अभी छोले खा रही हूँ, ये बर्गर खा चुके हैं, अभी हमारी टिक्की और खाएंगे। ये बताओ यहाँ से कितना दूर रह गया? यहाँ से बचा है 130 किलोमीटर, 3 घंटे और लगने वाले हैं, क्योंकि आगे आने वाला है पहाड़ी रास्ता। पहाड़ी रास्ते में मतलब मैं तुमको 2.5 घंटे में पहुँचा दूँगा अगर नहीं रुके। और ड्राइवर स्मार्ट के साथ साथ इंटेलिजेंट भी है, कुछ जब तक फ्लैट है मैं उसको कवर कर सकता हूँ ना उसका। ये देखो ये है टिक्की। बेसिकली जब हमारे यहाँ टिक्की मिलती है तो उसमें छोले, दही, खट्टी चटनी, मीठी चटनी, सेव सब कुछ डालते हैं, लेकिन हर जगह का अपना अलग अलग हिसाब होता है ना। अभी यहाँ पर इसी तरीके से खाया जाता है। जब हमने अभी बर्गर लिया था वो भी जैसे मस्का पाव नहीं होता है उसके अंदर छोले वगैरह डाल देते हैं, और छोटी सी टिक्की मतलब वैसे ही था, मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। मैंने छोले भी खाए तो छोले में भी यहाँ पर ना नींबू नहीं चलता, नींबू और खट्टी चटनी नहीं चलती, इमली की चटनी चलती है। ये है मंडी से मनाली का रास्ता। मनाली अभी 60 किलोमीटर रह गया है। उससे पहले हम यहाँ पर सिद्धू मोमोज कॉर्नर पर रुके हुए हैं और यहाँ पर हमने मोमोज लिए हैं और चाय ली है।
अब भी हम इसको इंजॉय करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लगातार चलते रहते हैं तो भी बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, तो इस वजह से अभी करें बस इसको खा लें। मेन हाईवे है, ज़्यादा देर अब लगेगी नहीं, टनल्स वगैरह अगर मिल गई तो और अच्छी बात है, थोड़ा और कम हो जाएगा। लोकेशन पे अब पहुंच चुके हैं ये, तो हम अभी अपने रूम में आ गए हैं। मैं आपको लोकेशन दिखा देती हूँ रूम की। सामने रिवर, ये हमारा रिसोर्ट और ये गेट से बाहर का एरिया है। नदी की आवाज इतनी तेज आ रही है यहाँ तक, मतलब हाँ क्या तुम्हारी शक्ल तब भी ठीक लग रही है, मेरी शक्ल तो काम वालों जैसी लग रही है, काम वाली आ गई तुम्हारे साथ में। ये तो है ही, चीयर्स इसके लिए। अरे हाँ अभी खाना मंगाएंगे। अच्छा है, रूम बहुत प्यारा है और बहुत अच्छी लोकेशन पे है। बस मैं थोड़ी शक्ल सुधारूंगी, अब थोड़ा फ्रेश होना है। फाइनली रूम में आ गए, अब आराम करेंगे। इतना भी आराम नहीं करेंगे जितना हमने कल कर लिया था और कहीं घूम नहीं पाए थे। आज हमने घूमने का प्लान बनाया है, बताओ तरीके से। गाइस शाम का समय हो गया है और अभी हम सफर से आए हैं, 8 घंटे का सफर करके। यहाँ पे आकर के ना वो सारी थकान जो है ना वो एकदम उतर गई, क्योंकि वो जो सीन्स है ना, वो जो यहाँ से बैठ करके मैं अपनी बालकनी में देख रही हूँ, वो बहुत ज्यादा सुंदर है। अभी मैं भी नहा धो करके फ्रेश हो गई हूँ तो थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, और आंखें देख सकते हो तो मेरी, मुझे नींद आ रही है और थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन ओवरऑल हम जब अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं तो रिलैक्स फील होता है। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। इतने सुहाने मौसम में अगर आपने पनीर के पकौड़े नहीं खाए चाय के साथ तो क्या खाए। तो अब हम पनीर के पकौड़े और चाय इन्जॉय करने वाले हैं। शाम के 6 बजे हैं, स्नैक्स का टाइम हो गया है और बहुत तेज़ भूख लग रही है। यहाँ पे ना बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ना मुझे एक चीज़ मिसिंग लग रही है, वो है पाइन वुड ट्रीज़। मतलब शिमला में तो बहुत सारे थे, यहाँ पर हैं, ये देखो सामने दिख रहे हैं, है यहाँ पर लेकिन बहुत सारे नहीं हैं।
और उस पर कोन्स नहीं दिख रहे मुझे, फिर मैं तोड़ूंगी कैसे? मैंने वहाँ पर तो शिमला में मेरे रह गए, मेरे शूज की हालत खराब हो गई है। क्या पहनूं? खाओ, क्या हो गया? गंदे हो रखे। अरे यार ये तो बहुत गंदे हो गए, लेकिन मैं अभी इनको बिल्कुल नए बना सकती हूँ। तो हमने क्या करना है, हमने कब करना है इसे क्लीनअप? क्लीनअप करने के लिए हम इसे वॉश नहीं करेंगे, मेरे पास एक चीज़ है। देखो हो गया ना शूज बिल्कुल क्लीन, अब पहनने के लिए लो तुम्हारा रेडी हो गया। एक तो न्यू कर दिया तुमने, हो गया ना साफ। ये देखो ये कितना न्यू है, ये अभी गंदा, इसको भी कर दो रहा ऐसे। तो गाइज अभी हम हो गए रेडी और अब हम जा रहे हैं बाहर घूमने मॉल रोड। शाम के समय और ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है सुबह के 6 बज रहे हैं। बहुत ज़्यादा, मतलब इसकी इतनी तेज़ आवाज़ है पानी की, ये एक तो रूम तक आ रही थी और इसके आगे मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा हल्के आ रही है, मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ। आसपास कैफेज बने हुए हैं, वहाँ पर पार्टीज चल रही है, ये हो रही है कैंपिंग। किस कदर भीड़ है भाई, भाई मॉल रोड तो बड़ी गचर पचर है, मतलब कैसा मार्केट है, जैसे दिल्ली में मार्केट्स होते हैं सरोजनी, और बहुत बड़ा मार्केट नहीं है कोई, मतलब इससे नहीं है मार्केट कोई बहुत बड़ा, जहाँ से साथ ही है और उसमें भी पार्किंग की जगह नहीं है। हम बोल रहे हैं ना पार्किंग के लिए आगे पैदल, बस कुछ नहीं है, खाने पीने की चीज़ें हैं थोड़ी बहुत तो, और ये नई तरह की चीज़, हॉट एयर बैलून, मुझे पता ही नहीं था ये इतना बड़ा होता है। प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं पहले, और फाइनली इन्होंने ये रस्सियाँ छोड़ दी हैं। ये ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा क्या? बस बंधा हुआ है, बंधा हुआ है। अच्छा ये मुझे लगा ये वो वाला है जैसे मूवीज में दिखाते हैं। हम यहाँ पर आ गए, टेस्ट ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट है, माल रोड तो हम गए नहीं, जिस काम से हम निकलते हैं वो काम हम कभी करके नहीं आते, उसका अपोजिट करके आते हैं। अब हमें भूख लग गई है, हमने केड़िया मारी, हमने देखा मॉल रोड बहुत ज्यादा गचड़ पचड़ एरिया है, इससे अच्छा हमारा दिल्ली का मार्केट है, कुछ ऐसा था नहीं वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, लोकल फूड था और कुछ नहीं, हमें ट्राई भी नहीं करना लोकल फूड। पिज्जा खाएंगे, हाँ चलो पिज्जा खाएंगे। और क्या बोलूं? बोलो, ओल्ड मनाली की साइड भी जाना। कब? अभी कैफेज में। कब? अभी अब नहीं जाएंगे। हमारा पिज्जा आ गया, डिलीशियस। ये मेरे लिए, लेकिन मैं तो सॉस खाती नहीं, मैं तो सॉस खाती नहीं, मैं खा लूं। ये मेरे लिए चम्मच कर, नहीं मुझे चम्मच सीखे मैं अनहाइजीनिक। चम्मच का हम खत्म कर देंगे, और मैम आपके लिए स्पेशल। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। साइड में रखो, साइड में रखो इसको। ये तीरा बनाना जरूरी था। इन्होंने चाबी रखी थी रूम की, ठीक है, और रखी अपने पास, मुझे पता था खो जाएगी, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, क्यों बहाने क्यों, इन्होंने रखी और सौंप चढ़ लिया, इन्होंने रखी अपने पास और खो के आ गए। कितनी मुश्किल से ताला टूटा उसका पीतल का, उसका क्यों पैसे देंगे हम? मैं तो कह रही थी हमसे पत्थर उठवा लो भैया, हमारे पास पैसे नहीं, ये पत्थर पड़े ना बाहर ये उठा देंगे। एंड सो गाइज इसी के साथ आज का डे 2 कंप्लीट होता है, ये व्लॉग बहुत ज्यादा बड़ा होता जा रहा है इसलिए इसको अभी हमें यही एंड करना होगा। डे 3 हम कल स्टार्ट करेंगे, उसको कल से रिकॉर्ड करेंगे,
तो वो आप देखिए, उसके लिए बने रहिए। तब तक बताइए कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा और बेस्ट पार्ट कौन सा लगा हमारी जर्नी का, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, Day 3 हिमाचल प्रदेश टूर के साथ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे साथ। बाय, टेक केयर, खुश रहिए।